हाउ टू ऐड न्यू फ़ोनस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गाइज़ आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू फ़ोनस ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं सो so, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू फ़ोनस को ऐड करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जम्प एंड टू एट सो गाइज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर न्यू फ़ोनस एड करने के लिए सबसे पहले आपने अपने कम्प्यूटर या अपने लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद गईज आपने गूगल में जाके सर्च करना है द फॉन्ट आपने इस वेबसाइट को सर्च कर लेना है एज यू कैन सी गाइज़ के मैं इसको ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ तो आपने फिर इस वेबसाइट को ओपन करना है द फ़ोन डॉट कॉम इसको मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ एज यू कैन सी गाइज़ सो यहाँ पर गईस आपको बहुत सारे फ़ोनस मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में जिसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं अपने एम एस वर्ड के अंदर सो so, यहाँ पर एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज़ भी देखने को मिल जाती है सो so, आप यहाँ से किसी भी कैटेगरी के, के फ़ोनस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं सो so, सपोज़ मैं यहाँ पर गई एक फ़ोन डाउनलोड करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि आपने कैसे फ़ोन को ऐड करना है सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फ़ोन को डाउनलोड कर देता हूँ कीप काम सो फोन को डाउनलोड करने का तरीका बहुत आसान है का आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक कर लेने के बाद आपने इस फ़ोन को डाउनलोड कर लेना है राइट right? फ़ोन को डाउनलोड कर लेने के बाद गाइज़ फ़ोन uh, को आपने एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि ये जेप फाइल है सो so आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है राइट right? एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइज़ uh, आपके पास यहाँ पर फोन फाइल आ जाएगी सो so आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है डबल क्लिक कर लेने के बाद गाइज यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है आपने सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है तो फोन आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी फ़ोन इंस्टॉल करने के बाद गाइज़ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि फ़ोन इंस्टॉल हुई है या नहीं सो आपने यहाँ पर आ, सर्च के ऊपर क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद गईज आपने यहाँ पर सर्च करना है कंट्रोल फैनल आपने कंट्रोल फैनल में जाना है कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने यहाँ पर अपेयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है इसके ऊपर क्लिक कर लेने के बाद आपने जाना है फ़ोन्स में और फोनस में जाने के बाद गईज आपने यहाँ पर उस फ़ोन को सर्च करना है जिसको आपने इंस्टॉल किया है राइट right? सो so, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कीप एज यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर हमारे पास ये फ़ोन जो है ये इंस्टॉल हो चुकी है सो so, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जिस फ़ोन को आपने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं राइट right? इसके बाद गईस आप यहाँ पर वर्ड uh, के अंदर आपने आना है और आपने एक टेक्स्ट टाइप करना है टाइप कर लेने के बाद आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ़ोन uh, को तो मैं यहाँ पर कीप काम फ़ोन को सेलेक्ट कर देता हूँ फिर इसको एंटर कर देता हूँ एंटर कर लेने के बाद क्या यू कैन सी क्या यहाँ पर टेक्स्ट का जो फ़ोन स्टाइल है वो चेंज हो चुका है राइट right? इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं राइट right? सो so गाइज आप इस तरह फोन ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर गाइज़ अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि फ़ोन को चेंज करने के बाद सपोज़ आपने एक न्यू फ़ोन को डाउनलोड किया डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल कर दिया और इंस्टॉल करने के बाद आपने आ, उस न्यू फ़ोन में यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर दिया राइट जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ अब यहाँ पर गाइस अगर आप इस फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी और बंदे को तो उससे पहले आपने एक काम करना होगा आपने क्या काम करना है आपने यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है फ़ाइल के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ पर जाना है ऑप्शन में और ऑप्शन में जाने के बाद गाइज़ आपने यहाँ पर सेफ के ऊपर क्लिक करना है सेफ के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद गाइज़ आपने यहाँ पर एम्बेड फोनस एन दिस फाइल आपने इसको इनेबल करना है इनेबल कर लेने के बाद आपने इसको ओके करना है ओके करने के बाद काइज़ आपने इस फाइल को फिर सेव कर लेना है राइट आपने इस ऑप्शन को लाजमी इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद आपने अपनी फाइल को सेव करना है सेव करने के बाद आप इसको सेंड कर सकते हैं तो आप जिसको भी ये फ़ाइल सेंड करोगे उस बंदे के पास अगर ये फ़ोन अवेलेबल भी नहीं होगा उसके कंप्यूटर या उसके मोबाइल या उसके लैपटॉप के अंदर तो फिर भी आपका फ़ोन वहाँ पर दिखाई देगा मतलब आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा वो उसके स्क्रीन पर दिखाई देगा राइट सो आपने इसको लाजमी चेक करना है और चेक करने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सेंड कर सकते हैं सो गैज दिस इज़ हाउ यू कैन एड न्यू फोनस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप इसी तरह न्यू फोनस को ऐड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज की वीडियो में बस इतना ही प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय